लेकिन दूसरी असल चीज़ ये है डिफिट से मुतालिक। ठीक है, तो मैं भी अर्ज़ कर दूं कि मैं पिछले मतलब ये तो अब कम तनख्वाह की हुकूमती नौकरी से पहले 15-20 साल मैंने डिफिट और USAID और बाकी इदारों के लिए काम किया है, और एड के पूरे जिस तरह से पैसे दिए जाते हैं जो काम होता है, मतलब आई बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्टोरी के अंदर। जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा कि ये स्टोरी इज़ नॉट अबाउट डिफिट, इट्स द स्टोरी इज़ अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड डिफिट इज़ वन पार्ट, और उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी किया। दूसरी चीज़ ये है कि इस स्टोरी में जो सबसे अजीब चीज़ मुझे नज़र आ रही है उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा, ना डिफिट वाले बात कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड लाइन होती है कि जी बिल्कुल हमारी चोरी नहीं हुई। स्टोरी में कहीं नहीं कहा जा रहा कि आपकी चोरी हुई, लेकिन स्टोरी के अंदर नवीद इकराम का जो जिक्र किया गया है, एक बिलियन का वो इसके अंदर मनी वो प्री बार गेन कर चुका है, और उसकी पेमेंट शायद 5 मिलियन का उसने एतराफ भी किया है, और इरा में से पेमेंट्स की हैं, और जो डिफिट के पैसे थे उस ज़माने में इरा को भी आते रहे हैं। और स्टोरी के अंदर जहां ये बात लिखी गई है तो वहां सवालिया निशान बनाया गया है कि क्या डिफिट का पैसा भी चोरी। अगर दो जुमले में बोल सकूँ एज अ नैरेटर, डिफिट का एंगल जो उस स्टोरी में लिया है ये ब्रिटिश ऑडियंस के लिए, डिफिट पे एक पूरी कैंपेन चल रही है कई सालों से कि वो पैसा बाहर मुल्क दूसरे ममालिक के दरमियान कि में क्यों खर्च कर रही है ब्रिटिश दोनों एजेंसी, और ये अखबार खिलाफ, और ये अखबार ने सेंटर पेपर है, इट रैन समझता है कि डिफिट को पैसा खर्चना ही नहीं चाहिए। इट रैन अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम, और एक राइट विंग एक तंग नजर तबका है बरतानिया में जो ये समझता है कि डिफिट को बाहर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, और इस वजह से डिफिट की हेडलाइन लगाई क्योंकि उनके उसमें अली मुमताज शहबाज शरीफ का दामाद, उसको कौन जानेगा यूके की ऑडियंस में, अली इमरान आप पे दावा हो जाएगा, अली इमरान जिसको नवीद इकराम ने चेक्स दिए हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि अखबार का एंगल था कि ब्रिटिश पब्लिक को भी कुछ सेल करना था, कि उन्होंने डिफिट का एंगल वो इस वजह से लिया। मेरे ख्याल में इस स्टोरी के अंदर जो बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि 95% रहता है, ये बेसिकली मुबैना पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरी है जो शरीफ खानदान के गिर्द घूमती है, और मेरी नज़र के अंदर स्टेक झूठ सच्चा ये तो बाद में अदालत में साबित होगा, पेन स्टेकिंग प्रोसेस है बरतानिया के अंदर, लंबा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे शरीफ खानदान के पॉलिटिकल स्टेक्स भी लगे हुए हैं, बिजनेस स्टेक्स भी आर वेरी हाई लंदन के अंदर, उनके लिए अमाज का है, उनके लिए पना का है। अच्छा, तो जो इस वजह से जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से या इदारों की तरफ से इस स्टोरी को जो टो किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब घुटन महसूस कर रहे हैं उस वजह से। अब मैं नाज़रीन एक ब्रेक ले लूँ, आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि आज 2 बरस के बाद जब के नवाज शरीफ साहब बरतरफ हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में, अब बरतानिया की होम सेक्रेटरी जो हैं वो प्रीति पटेल आ गई हैं, जो इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि डिफिट के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, जो एक्सट्रेडिशन के फेवर में है, जो असाइलम के खिलाफ हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी अटेंशन होगी शरीफ खानदान के लिए।